जय श्री श्याम, कैसे हो आप लोग? तो कल या परसों मेरे जाना होगा खाटू श्याम के लिए, और मैं जाऊंगा खाटू श्याम बस से। और ये बस संचालित होती है श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल के सौजन्य से, उनके द्वारा। और ये हर महीने बस ले जाते हैं खाटू श्याम और सालासर बालाजी और रानी सती मंदिर, बाकी वेन्यू चेंज होते रहते हैं। तो परसों मैं जाऊंगा खाटू श्याम। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल आप सुन रहे हैं न्यूज़ में कि काफ़ी भीड़ वहाँ होती है, तो किस दिन जाना चाहिए? लेकिन मैं तो कहूँगा कि संडे को आप अवॉइड करें, संडे को ना जाएं। संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि हर कोई इंसान संडे को ही पहुँचता है। तो आप कोशिश करें कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे इन दिन में भी जाएँ, क्योंकि मोस्टली 11 में वहाँ बहुत भीड़ होती है। कन्हैया मित्तल जी के वीडियो के द्वारा भी पता चला कि वो उन्होंने भी अपील की है कि आप इवनली देखें हर हफ्ते के दिन को, और हर मतलब यानी कि सोमवार को भी जाएं, मंगल को जाएं, बुध को भी जाएं, जिससे कि वहाँ मैनेजमेंट बना रहे, ज़्यादा भीड़ ना हो और सभी को अच्छे से दर्शन हो पाएँ। तो इसीलिए हमारी भी बस जाएगी, फ्राइडे की नाइट को जाएगी और सैटरडे को पहुँचेंगे, और सैटरडे में दर्शन करेंगे। तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो होटल वगैरह की, वहाँ पर कैसे रुक सकते हैं, क्या किराया चल रहा है नॉर्मली। लास्ट मंथ गया था तो मैंने धर्मशाला में पता किया था कि अगर डॉर्मेट्री में आप रुकते हैं, जैसे मतलब विश्राम करना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, तो उसके लिए 100 रुपये पर पर्सन चार्ज होता है। बाकी रूम लेना चाहें तो रूम भी ले सकते हैं, 400-500 की रेंज में रूम मिल जाता है। ये अन्नपूर्णा धर्मशाला की बात है, जो पुलिस चौकी है ना खाटू श्याम में, वहीं पास में पड़ता है। तो मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो लास्ट वाली, लास्ट मंथ वाली, तो आप देख सकते हैं। इसलिए हर महीने जाऊंगा, नई नई आपको अपडेट मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपना प्लान शेड्यूल कर सकें, बना सकें किस दिन जाना बेहतर होगा। क्योंकि मोस्टली जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन गाड़ी भी अंदर तक ज़्यादा जाती नहीं है, आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। और बाहर वाले होटल के प्राइस भी ज़्यादा लेते हैं, 2500 करीबन लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जिस बस से मैं जा रहा हूँ आप वहाँ भी बुकिंग करा सकते हैं। फिलहाल इस महीने की बुकिंग तो बंद हो चुकी है, अगले महीने जो होगा सितंबर में जो प्लान है वो है ब्रह्मा जी का टेम्पल पुष्कर में है वहाँ, और खाटू श्याम के लिए। तो अगर आप जाना चाहें, वैसे भी किराया भी निर्धारित नहीं हुआ वहाँ का, अगर आप जाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल दे दूंगा, वहाँ पे आप उन कॉन्टैक्ट करके उनसे बुकिंग करवा सकते हैं। दुहाई से बस जाती है, दुहाई शिव मंदिर से, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप आसपास भी कहीं भी रहते होंगे गाजियाबाद में, तो दुहाई शिव मंदिर पहुँच सकते हैं अपने किराए से, ऑटो वगैरह ओला की कैब बुक करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और वहाँ से अपना यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। रात को 8 बजे बस चलती है, 7 बजे भी आप पहुँच जाओगे टाइम से, तो आपको बस वहाँ खड़ी मिलेगी, और अपना बैठिए और अपना बात मतलब बातचीत करके अपना बैठिए। और नॉन एसी बस होती है, फिलहाल तो नॉन एसी चल रही है, तो मैं पहले ही बता दूँ नॉन एसी है। अगर एसी बस का भी अगर कभी शेड्यूल बना तो आपको वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। उससे अगले महीने का भी प्लान बन चुका है, शायद हरिद्वार जाएगी, शाकुम्भरी देवी और शुक्रताल, तो इन तीन जगह की वहाँ की भी वीडियो आती रहेंगी। अगर आप मेरे साथ यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं और तो बुकिंग करा लीजिए, चलेंगे साथ में, क्या दिक्कत है, ब्लॉग करेंगे, ब्लॉगिंग करके करते हैं ना। और अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो अपनी कार से जा सकते हैं, लेकिन समय देख के जाएं किस दिन जाना चाहिए। 11 के दिन को छोड़ कर अवॉइड करें और संडे का दिन नहीं जाएं, संडे सैटरडे बहुत कम, क्योंकि मैं आपको इतनी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कितनी भीड़ होने वाली है, तो आप उस पर अवेयर हो सकते हैं। तो परसों जाना है मेरा, तो आप इस वीडियो में अगर आपको सहमत हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना। ये जानकारी देने के माध्यम से बनाया था कि मैं हर मंथ अब तो बाबा श्याम से जुड़ चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ हर महीने जाऊँ जैसे भी होगा, है ना। क्योंकि 1200 पर्सन की जो टिकट होती है खाटू श्याम में जाने की, जहाँ तीन जगह घुमाते हैं, तो रीजनेबल रेट है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें आना जाना, खाना पीना, धर्मशाला, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, आपको अलग से कोई पैसा खर्च नहीं करना। हाँ, अगर प्राइवेट ढाबे पे अगर रुकते हैं बीच में तो आपको चाय पानी पीना तो अपने पैसे से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी तरफ से पूरी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपने इसके लिए वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना लास्ट वाला। बाकी बुकिंग कराने के लिए सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, और आप बुकिंग करा सकते हैं। और बहुत ही आनंद आता है, जब कहते हैं ना अकेले जाने में वो आनंद नहीं होता जो सबके साथ जाने में होता है, तो बस में काफ़ी यात्री होते हैं और मज़ा आता है। बाबा श्याम के भजन चलते रहते हैं पूरी बस में, आपको नींद तो आएगी नहीं रात भर, क्योंकि इतने अच्छे से भजन चलते हैं और मज़ा आता है, सच में आनंद आ गया। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ऐसा ना कॉपीराइट का इशू हो जाता, गाना ना अगर आता तो। इसलिए
मैं तो ये कहूँगा कि बहुत मज़ा आया, मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अब मैं दूसरा एक्सपीरियंस करूँगा और फिर देखो कब तक कि बाबा बुलाते हैं। तब कहते हैं ना, बिना बुलाए तो जा ही नहीं सकते, आप कितना भी हाथ पांव मार लेना, अगर उन्होंने बुलाना है तो आप, प्लान नहीं होगा तो भी आप पहुंच जाओगे। मेरे पास पिछली बार प्लान नहीं था, लेकिन वही ना, बाबा ने बुलाया और ऐसे रास्ते खुलते चले गए और पहुंच गए। तो वही है, बिना बुलाए कुछ नहीं होता, तो वही है, बाबा बुला रहे हैं तो जाएंगे जरूर, और 3 जगह घूमेंगे, ठीक है, आपको भी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी बुकिंग कराने के, हर महीने जाते हैं देखो, और यात्रा भी अच्छी हो जाएगी, आप मिलेंगे, हम मिलेंगे वीडियो के माध्यम से, है ना। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे जरूर खाटू श्याम में, बस के द्वारा चलना है तो बस के द्वारा चलेंगे, बहुत ही अच्छा आनंद आता है सच में। मैं अनिल भाई का दिल से शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की है, और दीपांशु भाई, सभी ये सभी मित्र मंडल जो इनका है, श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल द्वारा, तो उसमें जो मुख्य 3 या 4 नाम हैं मुझे जो याद हैं, अनिल त्यागी जी का नाम है, कृष्णा कृष्णा है, कृष्णा प्रजापति के नाम से दीपांशु शर्मा जी हैं, और एक भाई और इनका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचर वाइज, मतलब बहुत बढ़िया, कहते हैं ना आपको बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, कभी जाके देखना और अपना एक्सपीरियंस बताना जरूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए खुशहाल रहिए, बाबा श्याम को याद करते रहिए, कभी भी बुलावा सकता है तो मिल के आइए उनसे, ठीक है, बाय बाय। जो भी श्याम भक्त हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ परसों, आप भी पहुँचिए परसों, मिलेंगे वहीं पर, और अगर बस में अगर सीट हुई तो आप कॉल करके पूछ लेना कि अगर सीट है तो आपको भी ले चलेंगे, ठीक है, तो आप बुकिंग करा सकते हो, वैसे तो 20 तारीख तक की बुकिंग की थी चांस, बाकी अगले महीने के लिए बुकिंग अभी से करा लो, अगले महीने मिलेंगे, बाय।